दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर के जुब्बा सैनी पार्क में। आप लोगों का बहुत कमेंट थे और मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज देखा था कि इसका अपडेट ब्लॉग बनाइए, तो मैं इसका अपडेट ब्लॉग बनाने आ गया हूँ। काफ़ी बदल गया है जुब्बा सैनी पार्क, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। हर एक डिटेल बताऊँगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ नई चीज़ें हैं, वो हर चीज़ मैं डिटेल में कवर करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये है जुब्बा सैनी पार्क का मेन गेट और अभी ये बन रहा है, तो चलते हैं गेट के अंदर। दोस्तों शुरुआत करते हैं गेट से। तो यहाँ पे जुब्बा सैनी पार्क का गेट बन रहा है और आपको याद होगा कि यहाँ पे दुकान हुआ करते थे फास्ट फूड का और कुछ खिलौने के, कुछ टैटू वगैरह का दुकान हुआ करते थे। इधर कुछ और दुकान बनेंगे, वो पुराने दुकान तो हट चुके हैं। और जैसे ही इधर आएंगे तो यहाँ पे बैठने के लिए बना गया है स्टार्टिंग में ही, और फिर जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे नल लगा हुआ है। ये सब बाहरी वाले इलाके में है जहाँ पे फाउंटेन हुआ करता था। याद कीजिएगा कि शुरुआत में यहाँ पे ही फाउंटेन हुआ करता था, वो फाउंटेन यहाँ से हट गया है और यहाँ पे एक बड़ा सा गोला में बैठने के लिए बनाया गया है। ये पुराना चेयर है बैठे, जिस पर बैठते थे हम सभी लोग, ये पुराना है जो टूट गया हुआ है। और ये देख सकते हैं अभी बहुत बड़ा लग रहा है ये, मतलब जब पार्क ये था पुराने समय में तो बहुत छोटा लगता था, अभी ये पार्क इतना बड़ा हो गया है कि आपको वाकई में यहाँ पे आने के बाद लगेगा कि हाँ पार्क बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पार्क हो गया है। तो पहले मैं आपको इधर से चलता हूँ, जिस तरफ झूला वगैरह हुआ करता था वो वहाँ से झूला हट चुका है, अब वहाँ पर कुछ और चीज़ें आ गई हैं। क्या क्या चीज़ें आई है वो हम देखेंगे, तो अभी हम चलते हैं उस तरफ। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ के और पार्क चरखुट में बनाया हुआ था, वहाँ सब लोग बैठते थे और इन्जॉय करते थे। अब यहाँ पे ओपन एरिया बना दिया गया है, यहाँ पे फ्लावर लग रहे हैं और धीरे धीरे कुछ फ्लावर के पेड़ लगे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के बगल में भी एक गेट बनाया गया है पार्क में, यहाँ पे फिर बैठने के लिए बनाया गया है, वहाँ भी बैठने के लिए बनाया गया है। और दीवार पर जो चित्रकारी किया गया है ना, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दीवार की जो पेंटिंग है ना, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको वहाँ ले कर दिखाता हूँ और वो है क्या चीज़ वो आपको बताता हूँ। दोस्तों जुब्बा सैनी पार्क में बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम थी, यहाँ पे लोगों को जाने में नहीं बनता था कि कहाँ पे जाएं। इधर देख सकते हैं एक सेपरेट रूम बना हुआ है वाशरूम का है, बाहर नल भी लगा गया है और काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग किया गया है। मैं आपको उसको पेंटिंग को करीब से दिखाता हूँ। ये पेंटिंग एक समुद्र का बनाया गया जिसमें नाव है, और क्या अट्रैक्टिव लग रहा है कि ओरिजिनली में फील कर सकते हैं यहाँ पे जब हाथ धोएंगे तो आपको वाकई में ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगेगा। पार्क के बीचों बीच एक तरफ तो पहाड़ है दोस्तों वहाँ पे, जो पहले से भी था और अब भी है, उसमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी पहाड़ पे जाके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्क के जस्ट बगल में ही, पहाड़ के बगल में एक बड़ा सा फाउंटेन बनाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा फाउंटेन बनाया गया है, जब इसमें पानी का सिस्टम चालू हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगेगा। ये भी एक सेल्फी पॉइंट बन जाएगा, लोग यहाँ पे बैठेंगे इस पे, इसके चबूतरा पे, और यहाँ पे बहुत सारे फोटो लेंगे। बैठने के लिए बहुत सारा जगह बन गया है, यहाँ है, उधर है, उधर है, बहुत ज़्यादा जगह बना है बैठने के लिए। तो अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा भी लग रहा है नए नए। तो अब चलते हैं, अब हम लोग पहाड़ के साइड, और पहाड़ पे दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों अभी हम हैं पहाड़ के ऊपर, जुब्बा सैनी पार्क के बीचों बीच एक पहाड़ था जो मुजफ्फरपुर में एक लौता पहाड़ था, लोग यहाँ पे चढ़ के बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाते थे, बहुत सारा यादें हैं यहाँ पे, आप लोग का भी यादें होंगे। और देख सकते हैं ये ऊपर से चारों तरफ पार्क बन रहा है, पहाड़ के जस्ट बगल में एक बड़ा सा फाउंटेन बना है और पहाड़ पे भी बैठने वगैरह के लिए बन गया है। पहले क्या था कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह नहीं था, अब देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बन गया है और उतरने के लिए भी सीढ़ी बन गया है। और यहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, ये लोग बंगाल से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इन लोग से जानेंगे भी कि कितना दिन में चालू हो जाएगा। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और नई नई चीज़ें क्या क्या आया है। दोस्तों पार्क का ये वह जगह है जहाँ पे एरोप्लेन वाला गोल वाला झूला हुआ करता था, जो झूला बहुत बड़ा था, बहुत सारे पेड़ रहते थे, वो सारी चीज़ यहाँ से हट गए हैं और यहाँ पे अभी बैठने के लिए बनाया गया है, और वहाँ भी बैठने के लिए बनाया गया, और थोड़ा पैदल चलने के लिए भी रास्ते बनाया गया है बाथरूम के जस्ट इस साइड, जहाँ पे पहले एरोप्लेन वाला झूला हुआ करता था। चलिए अभी इस पार्क का सबसे खास चीज़ दिखाते हैं जो नया बनने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये पार्क का इलाका बढ़ गया है, आपको याद होगा कि पार्क के पीछे बिजली का चीज़ें होती थी, वो बिजली की चीज़ों को घेर कर इधर भी पार्क को इंक्रीज कर दिया गया है, पार्क की लंबाई को, चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है। और ये जैसे ही आप इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जंपिंग वाला झूला है, इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, आप झूल सकते हैं इस पर। इधर भी स्लाइडिंग झूला लगा हुआ है
और इसके दीवार पे जो तिरंगा का जो पेंट किया गया है ना, वाओ क्या खूबसूरत है, ग्रीनरी पूरा ग्रीनरी भरा हुआ है। अभी तो ये सब साफ होगा और यहाँ पे अलग तरह के घास लगेंगे, देख सकते हैं यहाँ भी झूला है। और ये इधर बहुत खूबसूरत है, मतलब ये वाला जो बना है ना, ये वाला नया जो बना है ना, वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए मिल जाएगा, यहाँ भी आपको राउंड में बैठने के लिए मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे टंकी है एक बड़ा सा। तो अभी और बाहर देखते हैं क्या क्या है इस साइड। पार्क तो काफ़ी चौड़ा बढ़ गया है, यहाँ देख सकते हैं वहाँ से लेके अभी लंबा आगे तक पार्क को बढ़ा दिया गया है। और जैसे ही आप आगे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फाउंटेन है। एक बड़ा सा फाउंटेन आपको मेन पार्क में दिख गया, ये पीछे वाला पार्क में एक छोटा सा फाउंटेन है। और इधर भी बैठने के लिए, वाओ दैट्स अमेजिंग। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी चबूतरा है बैठने के लिए। और ये देखिए, ये खंडर है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पानी टंकी जो दिखाया हूँ, ये खंडर है, ये क्या होगा पता नहीं, इसका साफ होगा या फिर क्या होगा, रहने के लिए है या क्या है पता नहीं मुझे, क्योंकि ये पूरी तरह खंडर है। और देख सकते हैं पार्क को यहाँ से पूरा इंक्रीज किया गया है इधर ही बैठने के लिए, और पार्क अंत तक वहाँ तक है। ये जो एरिया है ना, ये इस पार्क का बड़ा है, ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा एरिया जो है बड़ा है। ये साइड एरिया पड़ता है, तो जो कपल्स है वो इधर आके अपना प्राइवेसी ढूंढ सकते हैं, उनको इधर प्राइवेसी मिल सकता है, बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जुब्बासनी पार्क कपल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब है भी और जाना जाएगा आने वाला समय में। तो चलिए अब पार्क के दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है। दोस्तों ये वह जगह है जो हाँ ऊपर से पेड़ रहता था, बड़ा सा एक पेड़ रहता था जिसके बीच में हम लोग जाते रहते थे, आते रहते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे। उस तरफ यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मटेरियल लगा है चढ़ने के लिए है, यहाँ पे एक्सरसाइज मटेरियल है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स है, देख सकते हैं। और ये राउंड भी लगा है बच्चों के खेलने के लिए, वहाँ पे झूला लगा हुआ है। और देख सकते हैं ये दूसरे साइड का इलाका है जिधर गार्डनिंग सिस्टम हुआ करता था, वहाँ पे अब यहाँ पे कुछ झूले लग गए हैं। और वहाँ भी बैठने के लिए है, वहाँ भी बैठने के लिए है। और वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है जो नज़ारा है ना दोस्तों, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि जुब्बासनी पार्क इतना कुछ बदल गया है, इतना खूबसूरत हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक खास चीज़। आपको याद होगा कि जुब्बासनी पार्क जब पहले खुला हुआ होता था तो ये सारे बेंच लगे होते थे। अब ये सारे बेंच इधर टूटे फूटे फेंके हुए हैं, मुझे देख के इसको बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा लग रहा है कि यही वो बेंच है जिस पे बहुत सारी यादें जुड़ा हुआ है, हमारा आपका सभी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग का, हमारा भी है, आप लोग का भी है, सभी लोग का यहाँ पे यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में। बहुत लोग अपने फैमिली के साथ बैठते थे, बहुत लोग अपने गर्लफ्रेंड वाले के साथ बैठते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। अब ये हट गया है, ये पूरी तरह खराब हो चुका है, इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी यादें खराब हो रही है यहाँ पे, बताइए। प्यारी समझ गई। तो चलिए कोई नहीं, कुछ पुरानी यादें जाती है तो नई यादें आती है, तो नई नई यादें आ रही है, नई नई चीजें बैठने के लिए बन रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि क्या पार्क का अपडेट है और कब तक खुलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारक है। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से हैं जी। क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक पार्क का काम कम्प्लीट हो जाएगा? अभी हम लोगों ने सुना है 2 महीना। 2 महीना लग जाएगा। तो शुरू से लेके अंत तक आप ही लोग काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, काफी खूबसूरत पार्क बना रहे हैं आप लोग, इसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों को यहाँ से जुड़ा पार्क का है, तो जैसा कि इनसे बात हुआ है, ये अभी बताए हैं कि 2-3 महीने लग जाएंगे अभी पार्क को ओपन होने में, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी यहाँ का काम समाप्त हो जाएगा और फिर ये पार्क चालू हो जाएगा, तो हम आप सभी लोग यहाँ पे आके पार्क का आनंद उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था आप लोग के डिमांड पे ब्लॉग बनाने के लिए, मैंने पूरा अपडेट आपको दिखाया है। तो जुब्बासनी पार्क पहले से अच्छा बन रहा है या खराब बन रहा है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और किन लोगों को जुब्बासनी पार्क का खुलने का इंतजार है वो भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आप किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम वंडर ज्ञान पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कॉमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।